أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته क्या हाल है सब बच्चों के? ठीक हैं? अच्छा, आज हमारी इंग्लिश रिटन की क्लास है, लेकिन मैं आज आपको बोर्ड से काम नहीं करवाऊंगी, हम डायरेक्ट कॉपी पे ही काम करेंगे, ठीक है? तो तमाम बच्चे सबसे पहले दुआ पढ़ेंगे। दुआ कौन सी होती है, हम पढ़ते हैं सबक आसानी से याद होने की दुआ। रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ठीक है? चलिए, ओपन योर कॉपीज, पेज नंबर 27। अच्छा, 27 पेज पर क्या है, राइट ए टू ई, यानी ए से लेके ई तक लिखना है ना। तो मैंने तो आपको सिखाया है ना, टीचर ने आपको बता दिया ना कि कैसे ए बी सी डी ई कैसे बनता है और सफाई से काम कैसे होता है। अच्छा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक डॉट लगाया है, ठीक है? अगर जिन बच्चों को अभी तक काम करना नहीं आया, वो वैसे भी डॉट लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? तीन तीन डॉट पे या दो डॉट पे भी वो काम कर सकते हैं। और जिन बच्चों को काम करना आ गया है, वो एक डॉट पर काम करेंगे, ताकि लेटर्स का साइज जो है वो एक ही रहे। अगर बगैर डॉट के काम करेंगे तो लेटर्स एक बड़ा, एक लेटर बड़ा हो जाएगा और एक लेटर छोटा हो जाएगा, इसलिए एक डॉट लगाना है, ठीक है? बगैर डॉट के कोई काम नहीं करेगा, ठीक है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ए, ए बनाएंगे हम, ये देखिए लाइन से टच करके बनाएंगे, सफाई से बिल्कुल। देखिए ए के बाद बी, ये देखिए बी बन गया, उसके बाद है सी। टीचर की बात को फॉलो करके आपने बनाना है, कैसे टीचर देखें सफाई से काम कर रही है। सी के बाद डी, और डी के बाद ई आता है ना, ये देखें एक लाइन दो लाइन और ये तीसरी लाइन, ठीक है? बन गया, दोबारा पढ़िए, ए बी सी डी ई, ठीक है? इस वाले बॉक्सेस में भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? वो आप खुद लिखेंगे, सही है? अच्छा, अब नीचे वाले काम पे आइए। क्या लिखा हुआ है, ये ज्वाइन द डॉट्स, यानी कि हमें डॉट्स को ज्वाइन करके क्या बन जाएगी हमारी ये पिक्चर। देखिए पहले हम, अभी तो समझ आ नहीं रहा, हम जब बना लेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सा फ्रूट है जो बनाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करेंगे हम, कोई भी बीच पर से स्टार्ट नहीं करेगा। सबसे पहला लेटर कौन सा आता है, ए आता है ना, तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, ठीक है? तो ए की हम दोस्ती करवाएंगे जो बी से, और बिल्कुल डॉट को मिलाते हुए दूसरे लेटर तक जाएंगे, और बिल्कुल भी डॉट नज़र नहीं आएगा, ठीक है? ये देखिए ये हम पहुंच गए बी तक। अच्छा, बी के बाद क्या आता है, सी आता है ना, अब हम सी तक जाएंगे, ये देखिए ये आ गए हम सी पर। सी के बाद क्या आता है, डी आता है, उसके बाद हम आ गए डी पर, ये देखिए। इसी तरीके से ट्रेसिंग करनी है सफाई से, सही है? डी हो गया, डी के बाद क्या आता है, ई आता है ना, ये देखिए इसी तरीके से हम जाएंगे, बिल्कुल डॉट पर पेंसिल चलेगी, अगर हट जाती है तो हम रेजर से रेज कर देंगे, ठीक है? ये ई पर आ गए हम, और ये ई के बाद दोबारा से ये ए तक हमने इसको कंप्लीट कर दिया। क्या बन गया ये हमारा, कौन सा फ्रूट है ये, विच फ्रूट इज दिस, एप्पल, ए फॉर एप्पल होता है ना। क्या बन गया ये हमारा, एप्पल बन गया ना, गुड। आप सबने भी इसी तरीके से सफाई से काम करना है, ठीक है? अब हमारे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब हमारा पेज नंबर है 31, कौन सा पेज है, पेज नंबर 31। इसमें क्या क्वेश्चन है, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर, ठीक है? यानी कि जो ये पिक्चर बनी हुई है और जिस लेटर से ये पिक्चर आती है उसको हमने सर्कल करना है, ठीक है? अच्छा, अब ये क्या बना हुआ है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, बॉल है ना, बॉल किससे आती है, ए से आती है बॉल, नहीं तो सी से, नहीं बी फॉर बॉल है ना, तो हम बी पे क्या कर देंगे, सर्कल लगा देंगे ऐसे, ठीक है?
अच्छा अब ये व्हाट इज दिस, क्या है ये? एप्पल है। एप्पल किससे आता है? ए फॉर एप्पल ना, तो ए पर हम क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे ऐसे करके। ठीक है, अच्छे अच्छे सर्कल बनाने सबने, सही है। इसके बाद ये क्या है, एग। एग किससे आता है? सी फॉर एग, नहीं तो एफ फॉर एग, नहीं ई फॉर एग ना, तो ई पे क्या कर देंगे हम, सर्कल बना देंगे। ठीक है, अब ये क्या है, कौन सी किसकी पिक्चर है, ये फ्लावर की पिक्चर है ना, तो फ्लावर तो किससे आता है, एफ फॉर फ्लावर, गुड, तो एफ पे हम सर्कल लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, अब ये क्या है, किस चीज की पिक्चर है, ये डोर। डोर किससे आता है, ए फॉर डोर, नहीं तो बी फॉर, नहीं डी फॉर डोर, गुड, वेरी गुड, चले ये लगा दे डी पे। ठीक है, अब ये क्या है, कप है ना, कप किससे आता है, सी फॉर कप, गुड, ये सी पे हमने सर्कल बना दिया, सही है, ये हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, 32 पेज नंबर 32 पे है, राइट फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर्स। ठीक है, यानी ये जो दोनों पिक्चर्स हैं ये कौन से लेटर से स्टार्ट होती हैं हमने वो लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, ये खप, और ये क्या है, क्लॉक है। ये कौन सा वाले लेटर से आता है खप, किसी को पता है, कौन बताएगा? ए फॉर खप होता है, नहीं ई फॉर, नहीं तो सी फॉर खप, गुड, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सी लिख देंगे ऐसे लाइन से टच करके, सी फॉर खप, सी फॉर क्लॉक। ठीक है, अब ये क्या है, एरोप्लेन और एप्पल है ना, किससे आता है एप्पल और एरोप्लेन, मैंने एक कायदे में पढ़ाया था ना आपको, क्या है, ए फॉर गुड, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरोप्लेन। अच्छा, अब ये क्या है, फ्लावर, और ये क्या है, फ्लैग है। ये किससे आता है, कौन से लेटर से आता है, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फ्लैग, ये देखिए एफ बन गया। ठीक है, ऐसे ही सफाई से आपने काम करना है, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी लिखने में, तो वो एक एक डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, एक डॉट लगा सकते हैं, सही है, ताकि लेटर बड़े छोटे ना हो, एक ही साइज के रहें। अच्छा, ये क्या है, बॉल, और ये है बनाना, किससे आता है बॉल और बनाना, बताइए चले जब, बी से, गुड, वेरी गुड, बी फॉर बॉल, बी फॉर बनाना, सही है। अब ये क्या है, एग, और ये क्या है, एनवेलप, किससे आता है एग, ई फॉर, शाबाश, ई फॉर एग, ई फॉर एनवेलप। देखिए ये मैंने काम कर लिया है। अच्छा, एक और बात कहनी थी आप लोगों से, कि ये वाले जितने भी काम है ना, प्रैक्टिस पेज वाले, ये फर्स्ट लेटर ऑफ पिक्चर, सर्कल वाले, सर्कल द पिक्चर, सर्कल द लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर, ये सब काम आपने वीडियो देख के करने हैं और खुद करने हैं। यानी ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर कौन से लेटर से आती है। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले ना कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ। जब आप लोग स्कूल आएंगे तो आपसे हम लोग सुनेंगे ये सब चीजें, तो हमें पता चलेगा कि किस बच्चे ने खुद काम किया और किस बच्चे की मम्मा ने काम किया। मम्मा काम नहीं करेंगी किसी की भी भाई, सब बच्चे खुद काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, आज मैंने आपको पेज नंबर 27, पेज नंबर 31 और पेज नंबर 32 का काम करवाया है। ये तीनों पेजेस का काम आप सिर्फ CW कॉपी में करेंगे, HW कॉपी में काम नहीं करना है आपने। ठीक है, और काम सफाई से होगा CW कॉपी में, ताकि जब आप लोग स्कूल आए तो हमें वो कॉपी साफ सुथरी और अच्छी अच्छी लगे, गंदी गंदी ना लगे। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश, ठीक है बच्चों, अच्छा, इंग्लिश रिटन की क्लास नेक्स्ट वीक को होगी, तब तक के लिए फी अमानिल्लाही, अस्सलाम वालेकुम।